हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली जाके मैंने देख लिया पठान। जी हाँ दोस्तों, जोक सपाट दोस्तों, यहाँ पे मैं पर आपको दिखा दूँ पठान का पोस्टर है। मैंने ये पठान नहीं देखा यार। वैसे तो ये पठान आ रहे हैं हमारे 25 जनवरी को अगले साल। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैंने प्रमोशन तो कर दिया ये बोल के। खैर प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है भाई, किंग खान है ये, तो इनको प्रमोशन की क्या ज़रूरत है, इनके लिए तो ऑडियंस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने देखी, अभी ने रिसेंटली एक वीडियो डाला था। मैं जैसे ही अपना PVR पहुंचा था, मैंने बोला था कि मैं देखूंगा इस मूवी को और आपको बताऊंगा कि कैसी लगी हमें प्रतीक्षा। दोस्तों प्रतीक्षा के बारे में मैं अगर रिव्यू करूँ ना, एक वर्ड, वेरी इमोशनल। आँखों से ना आपके आंसू आ जाएंगे और मूवी से आप ऐसे कनेक्ट हो जाओगे ना, जैसे लगी कि ये आपकी लाइफ है। अपनी लाइफ को आप पर्दे पर देख रहे हो, मुझे ऐसा फील हुआ। रियली बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं कि मैं मूवी देख रहा हूँ। मेरे को ऐसा फील हुआ ना अंदर से यार, कि मेरी ज़िंदगी ना पर्दे पर चल रही है। मेरी कुछ बातें जो कि इस मूवी से याद आ गई, आंखों से आंसू आने लगे। मैंने भी इतना स्ट्रगलर किया हूँ जॉब के लिए, मैं भी बहुत भटका हूँ दोस्तों। वैसे मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ, समझे ना, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती मेरे को, लेकिन मिला जुला के इंग्लिश बोल ही लेता हूँ और जितना आता है उतना ही बोलता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश बोलने वाले होशियार तेज स्मार्ट होते हैं, ये भी मैं मानता नहीं हूँ, जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ। लेकिन दोस्तों हम बातें करेंगे मूवी के बारे में, प्रतीक्षा। आपकी ज़िंदगी में भी प्रतीक्षा हुआ होगा, आप भी बहुत प्रतीक्षा किए होंगे नौकरी को लेके, जॉब को लेके। जिस तरीके से दीपन वीर जो कि दमन मूवी में दिखे थे, बाबूसान मोहंती सर के अपोजिट काम कर रहे थे, वो दोस्त के रोल में दिखे थे, उनको तो मैं जानता भी नहीं था ये कौन है। लेकिन दोस्तों उसके बाद इसके जब ट्रेलर देखा था ना प्रतीक्षा का, उस दिन से मैं बोल दिया था ये मूवी देखूंगा। आज लगे, बरसों बाद लगे, अपन देखेंगे। और देखा क्या मूवी बनाया भाई अनुपम पटनायक। सल्यूट सर, सल्यूट। डायरेक्शन का तो मैं सल्यूट देता हूँ आपको कि आपने इतनी बेहतरीन डायरेक्शन किया यार। सीखो डायरेक्शन किसको कहते हैं। क्या रुला दिया सर आपने, बाप बेटी की जो केमिस्ट्री दिखाई है ना यार, सुपर्ब यार। क्या बोलूँ मैं, तारीफ क्या करूँ भाई। आप देखो इस मूवी को, बोलोगे ऐसे नहीं अनुपम खेर साहब ने इसका राइट्स खरीदा है जो कि रीमेक कर रहे हैं वो। भाई कुछ तो थी बात तब जाके वो इसका राइट्स खरीदे। और देखो अब बॉलीवुड में आएगी ना, बॉलीवुड में भी धमाका करेगी ये मूवी, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो स्क्रीन प्ले है ना, आपको उठने नहीं देती है। अरे इंग्लिश सब टाइटल था और यह मेरे को मिला जुला के लगा समझ में आ जाती है कुछ कुछ बात, कुछ कुछ लैंग्वेज, लेकिन साला सीट से उठने नहीं देता यार मूवी, पूरी मूवी नहीं उठने नहीं दिया। इंटरवल में उठाऊँ भाई, मेरे को सुसु आई है कस के इंटरवल से आधा घंटा पहले, लेकिन बंदा मैं उठने जाऊँ, अरे इतनी अच्छी स्क्रीन पे चल रही है सीन्स, उसको मिस करने जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटरवल में सुसु करने गया। क्लाइमैक्स मैं रिवील नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन देखो क्लाइमैक्स इसको कहते हैं, व्हाट ए क्लाइमैक्स यार। हार दी पूरी मूवी भाई, पूरी की पूरी रुला डाला इस मूवी ने यार। इमोशनल हो गया हूँ मैं, इमोशनल। क्या मेरे पास सब नहीं है यार, मतलब कि वो जो दौर इंसान के साथ होता ना यार, किस तरीके से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, आज पता चला। देखो लोग बोलते हैं ना, अरे यार क्या तू डिप्रेशन में चला गया यार, थोड़ी सी नौकरी नहीं मिली तो तू पी रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। भाई जिसके साथ गुजरती है ना वही बंदा जानता है, और इस मूवी में जो गुजरा ना उसके साथ ही सुपर यार। एक सीन फनी था मेरे को यार, एक सीन बहुत फनी लगा, वो सिगरेट वाला सीन मज़ा आ गया यार, रियली बता रहा हूँ। दीपन वीर सर यार, उनको ना अवार्ड दो इस रोल को प्ले करने के लिए, अनुपम पटनायक को भी अवार्ड दो ऐसी डायरेक्शन करने के लिए, पूरी टीम को अवार्ड दे दो यार। क्या मूवी बना डाला भाई, क्या बना डाला यार। इसको स्क्रीन पढ़ाओ भाई, इसके शो पढ़ाओ, पूरी इंडियन को देखनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा आप इसका हिंदी डब भी करो, जिस तरीके से दमन टीम कर रही है ना उस तरीके से इस भी ये भी करो प्लीज़ यार, इसको हिंदी आनी चाहिए, पूरी ऑडियंस को देखनी चाहिए। प्रतीक्षा जिस तरीके से स्ट्रगलर होती है एक आम इंसान की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़की भी बहुत स्ट्रगलर करती है भाई अपनी जॉब को लेकर। ऐसा नहीं है कि लड़के सिर्फ स्ट्रगलर करते, लड़कियाँ भी करती हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, मेरे को रुला डाला इस मूवी ने, इमोशनल कर दिया वो। अभी मेरे को बहुत लंबा जाने का घर, टाइम देखा देखो टाइम, अरे सॉरी घड़ी भी इधर है, इतना इमोशनल हो गया कि चला घड़ी इधर पहना हूँ इधर पे देख रहा हूँ मैं। अभी मेरे को घर जाना है, एक बज जाएगा जाते जाते। चलो दोस्तों अगर रेटिंग की बात करें तो दोस्तों देखो, अरे नहीं है, आसमान का स्टार भी ना इसको दे दोगे ना वो भी कम है। फिलहाल के लिए आसमान में एक भी तारे नज़र नहीं आ रहे, वो भी दे देता, दे देता क्या, दे दो यार ऐसी फिल्मों को यार। सल्यूट, सुपर माइंड ब्लोइंग स्टोरी, माइंड ब्लोइंग वर्क, पूरी टीम ने जो काम किया ना यार, मजबूत काम किया यार, सुपर। बस भाई इतना ही,
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन है ना घंटा, वो भी दबा देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। 25 जनवरी को पठान देखने ना भूले, क्योंकि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। जोक से पढ़ दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र।